गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एनटीए ने नेट 2022 का रिज़ल्ट कल डिक्लेयर कर दिया है और बहुत बच्चों को समस्या हो रही थी कि ये परसेंटाइल क्या है और परसेंटेज क्या होता है। मतलब कुछ सब्जेक्ट के रिज़ल्ट है जो परसेंटेज में आए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट जो है वो परसेंटाइल में आए हैं। तो पहले हम परसेंटाइल और परसेंटेज को डिफ़ाइन करेंगे कि देखो, जिस सब्जेक्ट के पेपर्स नेट की एग्ज़ाम दो सेशन में हुई थी, एक मॉर्निंग सेशन और दूसरा इवनिंग सेशन, तो जो भी बच्चों के एग्ज़ाम दो सेशन में हुए थे उनका रिज़ल्ट जो है वो परसेंटाइल में आया है। समझ में आया? मतलब जो भी सब्जेक्ट्स थे जैसे हिंदी, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट का रिज़ल्ट, हिस्ट्री, इनका रिज़ल्ट परसेंटाइल में आया है। और जिन सब्जेक्ट के जो पेपर्स थे सिर्फ वन सेशन में हुए थे, जैसे लॉ हो गया, तो उनका रिज़ल्ट जो है वो परसेंटेज में आया। तो एक बार हम देखते हैं कि वो परसेंटेज और परसेंटाइल में किस तरह से रिज़ल्ट आया है। और उनके भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट है और ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 200 मार्क्स में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुआ है और उसके मार्क्स टोटल है 177। मतलब इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। मतलब जो बच्चा फिलॉसफी का होगा उसको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इधर क्लियर कट ऑफ बता रहे हैं कि 200 है, 300 आउट ऑफ 200 जिसको मार्क्स मिले हैं वो क्वालिफाई हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। और रिजर्व कैटेगरी में एससी में देखो 178 को क्वालिफाई हुआ है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का स्कोर है। तो लेकिन डाउट यहाँ आ रहा है कि जो सब्जेक्ट्स है, जैसे अभी देखो, अभी हम इकोनॉमिक्स का रिज़ल्ट देख सकते हैं। अभी देखो ये जो है सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स है, देन पॉलिटिकल साइंस है। अभी पॉलिटिकल साइंस का देखो, पॉलिटिकल साइंस अनरिजर्व कैटेगरी 96% आया है। तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया नीचे, देन हिस्ट्री हो गया। अभी देखो हम हिस्ट्री का देख सकते हैं, हिस्ट्री को भी हमें 97% आया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो हिस्ट्री का परसेंटाइल में क्यों आया है, पॉलिटिकल साइंस का परसेंटाइल में क्यों आया है, या तो इंग्लिश का परसेंटाइल में क्यों आया है, कॉमर्स का क्यों आया है, तो इन सब सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट दो सेशन में हुआ था। मतलब एग्ज़ाम जो हुई थी वो दो सेशन में हुई थी। तो अभी हम समझते हैं परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंट है और हमें कितने मार्क्स मिले, या तो हम कितने क्वालिफाई हुए और हम कितने पीछे छूट गए। ओके, तो बने रहिएगा अंत तक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग का जो सेशन हुआ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, हम एग्ज़ाम्पल पकड़ते हैं, समझो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 10 बच्चे अपीयर हुए मॉर्निंग सेशन में और सबसे जो पहला बच्चा है टॉप, उसको 280 मार्क्स मिले 10 बच्चों में से, ये टॉप मार्क्स है। और इवनिंग सेशन इंग्लिश के लिए 10 बच्चे बैठे और जो टॉप बच्चा था उसको फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स मिले है 180। तो ऐसा क्यों हुआ, समझो समझते हैं कि मॉर्निंग का सेशन हुआ उसके क्वेश्चन आंसर जो थे वो थोड़े इजी होंगे और इवनिंग का थोड़ा पेपर टफ होगा। तो अभी समझो मॉर्निंग सेशन में जो पेपर इजी था उसको पहले हाईएस्ट टॉप बच्चा जो था, जो उसको फर्स्ट बच्चा है उसको 280 मिले, और इवनिंग सेशन में टॉप का बच्चा है उसको, फर्स्ट बच्चा है उसको 180 मिले। तो अभी इस तरह से अगर हम अभी इसको इवनिंग सेशन के बच्चा जो है उसको अभी समझो इसका जो पहला मॉर्निंग सेशन में है उसको हम 100 देते हैं और इसमें 180 को भी हम परसेंटाइल में 100 देते हैं। मतलब इसके हो गए 180 100 परसेंटाइल और मॉर्निंग सेशन में 280 इसके भी हो गए 100 परसेंटाइल। तो अभी जो नीचे के बच्चे हैं उनका परसेंटाइल हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 100 के 10 नंबर का बच्चा जो है उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट बच्चा जो है उसको कितने मिले हैं, 300 में से 280, तो उसको हमने 100 परसेंटाइल दे दिया।
तो अभी नीचे के जो बच्चे हैं उनका परसेंटाइल कुछ इस तरह से निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो पहला बच्चा था 280 में था, तो पीछे कितने बच्चे रह गए, 9 बच्चे रह गए, और टोटल बच्चे बैठे थे 100, तो इनको मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते। तो देखो 9 बच्चे उसके पीछे हैं और टोटल बच्चे जो बैठे थे वो थे 10, और फिर इसको कैलकुलेशन करते अभी देखो जो दूसरा बच्चा रहेगा तो दूसरे बच्चों का परसेंटेज होगा 90%। ओके, तो मतलब जो सेकेंड नंबर में रहेगा उसका रहेगा 90%। मतलब अभी थर्ड नंबर का इसी तरह से फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो थर्ड नंबर का कैसे निकालेंगे, अभी थर्ड नंबर रहेगा तीसरे नंबर पे रहेंगे इधर 8, तो इधर सिंपली हो जाएगा 80%, तो तीसरा बच्चा रहेगा 80%। तो इसी तरह से फिर जो पहले बच्चे का हो गया 100%, दूसरे बच्चे के पीछे उसके फिर 9 बच्चे पीछे थे, तो जितने बच्चे पीछे है उसका 90% तीसरे बच्चे का आएगा, जो उसके तीसरे के पीछे थे 8 बच्चे तो उसका 80%। उसी तरह से जो इवनिंग सेशन हुआ, इवनिंग सेशन में भी देखो अभी 10 बच्चे बैठे हैं, और फिर जो दूसरा बच्चा था उसके पहले बच्चे के पीछे 9 बच्चे हैं 180 के पीछे, तो इसको फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी आएगा 90% इवनिंग सेशन में। तो मतलब अभी देखो इधर भी मॉर्निंग सेशन में जो दूसरा सेकेंड लास्ट बच्चा है उसको भी 90% आया, और इवनिंग सेशन में भी दूसरा बच्चा है उसको 90% आया। तो इस तरह से फिर उसके मार्क्स का परसेंटाइल निकालते हैं ताकि दोनों को क्या मिले, इक्वल परसेंटाइल मिले, ताकि मतलब क्वेश्चन इजी हो या क्वेश्चन हार्ड हो। मतलब इन्होंने क्या करा है, अभी जो टोटल आउट ऑफ बच्चे हैं ये जो है फॉर्मूला कैसा है कि पीछे कितने बच्चे हैं और टोटल बच्चे अपीयर कितने हुए इनटू 100, तो इसी तरह से उसका परसेंटाइल निकालते हैं और फिर परसेंटाइल निकाल के टोटल बच्चों में से उनको कितने परसेंटाइल मिले, इससे मतलब दोनों सेशन में भी जो एग्ज़ाम हुई है सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छे से परसेंटाइल में कन्वर्ट करके दोनों को मतलब अच्छे कैलकुलेशन इक्वली हो और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो इस तरह से फिर मार्क्स दिए जाते हैं तो परसेंटाइल निकालते। अभी हम एक रिज़ल्ट देखते हैं तो उसमें समझेंगे कि फिर हमको कितने मार्क्स मिले। देखो ये इस रिज़ल्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, जब अभी देखो इनको पेपर वन में ये जो रिज़ल्ट है, अभी देखो ये रिज़ल्ट में पेपर वन में 75% आया है। ओके, और पेपर टू में 9.71% आया है, और इन दोनों का जो स्कोर है मतलब पेपर वन और पेपर टू मिला के जो परसेंटाइल आया है 32.1147090, तो ये जो परसेंटाइल है, तो अभी ये कैसे निकला है, तो टोटल बच्चे मतलब जो टोटल मतलब फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट बच्चा आया रहेगा है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम फिर से पकड़ते टोटल 280 आया है, और उसमें से हमारे पीछे जितने भी बच्चे मतलब हमारा जो स्कोरिंग है वो 300 में से हमें 32% मिला है, मतलब हमारे पीछे जो बच्चे हैं उनमें से हम 32% पीछे हमारे बच्चे छूटे और हम 32% को इधर सिक्योर हुए हैं। तो अभी क्वालिफाई होने के लिए हमें कितने परसेंटेज चाहिए थे, ये समझो फॉर एग्जांपल ये रिज़ल्ट है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का 84% आया है, इंग्लिश का कितना आया है 84, और हमारे कितने आए हैं 32, तो 84 माइनस 32 करेंगे तो 4 माइनस 2 2, और 88 माइनस 3 5, तो 52% से हमें पीछे रह गए हैं। तो हमें क्या करना है, अभी हम अगर ओवरऑल समझे
तो हमें क्या, हमें और पेपर वन और टू मिला के 52% परसेंटाइल गेन करने थे, ताकि तभी हम क्वालिफाई हो जाते थे। तो हम ये समझ लेते कि हमारा स्कोर तो इधर 75 फर्स्ट पेपर में है, तो ये अच्छा है परसेंटाइल। तो इधर गेन कहाँ करने हैं, पेपर सेकंड में गेन करना है, ये हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह से हम रिजल्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। हम कभी भी परसेंटाइल को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें जो भी आंसर शीट आंसर की मिली थी उसी को, और हमारे हमने जो रिस्पांस दिए थे उनको हर एक को मैच करना पड़ेगा, तभी हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। परसेंटाइल से परसेंटेज को कभी भी निकाल नहीं सकते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।